दोस्तों आपको बता दें कि सहारा में जो है क्या पैसा एजेंट दिलवा पाएंगे या और कोई दिलवाएगा। दोस्तों बहुत सारे निवेशकों का यह सवाल आ रहा है कि आखिरकार निवेश जो पैसा जमा कर रहे थे वही पैसा दिलवाएंगे या फिर गवर्नमेंट पैसा देगी या सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगी। तो दोस्तों ऐसे में यह सवाल निकलता है कि जैसे कि आपको बता दें कि 5000 करोड़ का जो बात चल रहा था इसमें सहारा वो जैसे कि आपको बता दें कि सहारा में जो काम करने वाले हैं यह लोग या तो आपको बता दें कि 80% जो है बेरोजगार थे वही लोग सहारा में काम कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट हो गए, गृहिणी हो गई या फिर जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी वो लोग हो गए, यानी कि 20% जो है वह सहारा में वही लोग काम कर रहे थे कि जो लोग जो है परमानेंट थे और 80% परमानेंट नहीं थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बता दें कि यह जो बात निकल कर के सामने आई है कि मतलब लोग अपना जो है सहारा में पैसा जमा कर रहे थे यह नहीं पता कर रहे थे क्या मतलब वो परमानेंट हैं कि नहीं हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सहारा में अब पैसा फंसा हुआ है तो पैसा तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए बहुत आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत करने के बाद में जो है आप लोगों का पैसा वापस हो पाएगा। दोस्तों कहीं ना आपको बता दें कि जो आप बहुत सारे यह लिंक लगाना पड़ेगा तब जा कर के भुगतान हो पाएगा और इससे में जो है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग जो है भुगतान बहुत ही जल्द हो जाएगा और आप लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब भुगतान नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि भुगतान उन्हीं का हो पाएगा जिनका लिंक रहेगा, उनका भुगतान बहुत ही जल्द हो जाएगा और जिनका लिंक नहीं रहेगा उनको सोर्स पानी लगाना पड़ेगा, उसके बाद में जो है भुगतान हो पाएगा। लेकिन दोस्तों भुगतान जो 20% है पहले उनका होगा, बाकी 80% वालों का